हम लोग उन अंग्रेजों की सत्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने भगत सिंह की फांसी का समय बताया है ना, लेकिन हम लोग उस फांसी को होने नहीं देंगे। हमें लाहौर चलना होगा। लेकिन ये संभव नहीं है। सुबह तक हम लाहौर कैसे पहुंचेंगे? अरे लाहौर तक ना सही, दिल्ली तक की ट्रेन तो मिल ही जाएगी ना, और हम दिल्ली में ही उन अंग्रेजों की ईंट सीट बजा देंगे और फिर दिल्ली की खबर लाहौर तक आग बनकर तो फैली जाएगी। चलो सब लोग। सर, एक खबर मिली है, भगत सिंह के गांव और अलग अलग जगहों से लोग एक साथ इस जेल की तरह पड़ रहे हैं, और अगर सब लोग यहाँ पहुँच गए तो बहुत दिक्कत होगी। लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। ऑफिसर, एक काम करो, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सुबह की जगह अभी इन सब को फांसी पर लटका देते हैं। अभी सर? यस, अभी। ले आओ भगत सिंह के दोनों साथियों को भी। दैट्स माय ऑर्डर। भगत सिंह, तुम्हारा समय समाप्त हो गया। आखिरी दो पन्ने बचे हैं। अधूरी किताब छोड़ के क्या जाना। भगत सिंह, तुम सही कह रहे थे। तुम्हारी फांसी की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई है। जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ आने के लिए घर से निकल चुके हैं। अंग्रेजी सरकार डर गई है, इतना डर गई है कि उसके पांव कांप रहे हैं, और इसलिए वो तुम तीनों दोस्तों को आज ही रात को फांसी पर चढ़ा रहे हैं। 23 साल के नौजवान से पता नहीं क्यों इतना डर रही है अंग्रेजी सरकार। सोचने वाली बात है, क्या मिलेगा भला उसे फांसी पर लटका कर। किशन, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और दुख की बात यह है सब कुछ जानते हुए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी पे चढ़ा के या इनकी जिंदगियां छीन लेने से क्या लगता है अंग्रेजी हुकूमत को कि हम अपने क्रांतिकारी भाइयों को भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान उन तीन वीरों को हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हबीब मियां। सही बोल रहे हैं। चलिए। अरे बांध क्यों रहा है? भागूंगा कहीं नहीं। भागना तो इन अंग्रेजों को पड़ेगा यहाँ से। सच कह रहा हूं ना मैं? हाँ, अंग्रेजों को तो भागना पड़ेगा ही, चाहे हम रहे या ना रहे। दीवाने हो तुम तीनों। दीवाने? दीवाने तो हम तीनों के जाने के बाद पैदा होंगे। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। हाँ, मुझे तुम्हारी बातें सपना नहीं लगती। इंक़लाब ज़िंदाबाद। इंक़लाब ज़िंदाबाद। इंक़लाब ज़िंदाबाद। इंक़लाब ज़िंदाबाद। का समय है, ऐसा उत्सव जिसमें आजादी पाने की एक आखिरी ख्वाहिश, हमारे हाथ खोल दिए जाएं। माँ, मुझे भगत सिंह से मिलना है, ले चलो ना उनके पास, मुझे उनसे मिलना है। बोलो ना माँ, कुछ तो बोलो, मुझे उनसे मिलना है, बोलो ना माँ। आज की सनसनीखेज खबर, भगत सिंह को सुबह के बजाय कल रात में ही फांसी दे दी गई। आज की सनसनीखेज खबर, पढ़ के सुनाओ। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी का देशव्यापी विरोध। क्या कह रहे हो? अरे अंग्रेज हुकूमत को लगा होगा सुबह तक सारे लोग जेल में इकट्ठे हो जाएंगे, इसीलिए कल रात में फांसी दे दी भगत सिंह को। ये तो अनर्थ कर दिए। पढ़िए और पढ़िए ना और पढ़िए। आज की सनसनीखेज खबर, भगत सिंह को फांसी दे दी गयी। लाहौर की सेंट्रल जेल में गूंजी उठी इंक़लाब की बोलियां। आज की सनसनीखेज खबर, भगत सिंह को सुबह के बजाय कल रात में ही फांसी दे दी गई। अटल 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 अटल, अटल कहाँ जा रहे हो? अटल अटल, भगत सिंह को फांसी दी गई। आज की सनसनीखेज खबर। कब दी फांसी? पैसे दो, अखबार लो, मुफ्त का समाचार नहीं मिलता। कितने पैसे? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं अखबार खरीदने की। अटल अंदर चलो। अटल आओ। अटल सुना नहीं बाबूजी और दादाजी ने क्या कहा? चलो अंदर। रुक जाइए आप सब, खरीदने दीजिए उसे अखबार। दे दीजिए एक अखबार। आज की सनसनीखेज खबर, भगत सिंह को फांसी दी गई। क्या ये सब? क्या जरूरत थी अखबार खरीदने की? और क्या करती मैं? अटल बच्चा है अभी, हमारी तरह दुनियादारी नहीं समझता, इसलिए दे दिया खरीद के अखबार। रात भर रोया है मेरा बच्चा। आप जानते हैं ना उसे, कई सारे सवाल हैं उसके मन में। अब सारे सवालों का जवाब तो हम दे नहीं सकते। अखबार पढ़ने से मना कर दे तो कहीं उसे ये ना लगे कि हम उससे कुछ छुपा रहे हैं। पढ़ लेने दीजिए अखबार, शायद अखबार पढ़ लेगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, इतना सब कुछ सोचा है? आज से स्कूल है उसका, उसके बारे में भी सोचा है कुछ? पहला दिन है स्कूल का, अखबार पढ़ के पता चला स्कूल जाने से मना कर दे। हम जानते हैं ना कितना भावुक है हमारा बेटा, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है उसका। अखबार में कुछ पढ़ के स्कूल जाएगा वो, आप चिंता मत कीजिए। और अभी तो समय है ना स्कूल जाने में, स्कूल जाने का समय होगा तो तैयार कर दूंगी उसे। अभी उसे करने दीजिए ना जो करना है। अटल बेटा, ये क्या कर रहे हो? मुझे करने दीजिए। करने दीजिए मतलब? हाँ क्या? छोड़ो, हटाओ। सुनिए, पूछ तो लीजिए क्या करने वाला है। क्या करने वाले हो? माँ, बाबूजी, आज भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई है, तो हम उन्हें बिना श्रद्धांजलि दिए ऐसे ही जाने दें? अच्छा, तुम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दोगे, ये जानते हुए भी कि मोहल्ले में अंग्रेजों तक खबर पहुंचाने वाले कई लोग हैं। अटल, अरे छोड़ो, उठो उठो, तुम ज्यादा कर रहे हो। भगत सिंह जी को फांसी हुई है, उसका दुख हमें भी है, बहुत ज्यादा दुख है। इसका क्या मतलब है? ये इसे करना है तो करने दीजिए। करने दीजिए। ये एक बच्चा है, तुम भी उसके साथ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? इस सब के परिणाम जानती हो ना? लेकिन अभी इसे रोकेंगे तो परिणाम और बुरा हो सकता है। विश्वास कीजिए, ये भावनाएं हैं इसकी, दबाइए मत, बहने दीजिए। कभी कभी भावनाओं को दबाने से इंसान विस्फोटक बन जाता है। तुम करो जो कर रहे थे। बाबूजी, आप कुछ बताइए, समझाइए अपनी बहू को। बेटा, बहू सही कह रही है। कभी कभी भावनाओं का प्रवाह रोकने से भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अटल अभी भावुक है, उसे कर लेने दो। बाकी कुछ हो ना हो, बस इतना तो हो रहा है। इस मोहल्ले में देश के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का काम तुम्हारा बेटा और मेरा पोता कर रहा है। इतनी कम उम्र में देश के क्रांतिकारियों को सम्मान दे रहा है, इसमें बुराई क्या है? देश का नागरिक बन के सोचो, सरकारी नौकर बनकर नहीं। संस्कृति की आन को बचाए जो देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सुनो, मैं अटल को लेकर स्कूल जाऊंगा तो उसके बाद में ये सब हटा देना। अब बस करो, स्कूल भी जाना है। हुँ? जी बाबूजी। अब और क्या, मैं तैयार होके आता हूँ, तुम जरा देख लेना। हाँ? अटल, दिया भी जला लिया और फूल भी चढ़ा दिया। अटल, ये सब तुम अकेले ही कर रहे हो। देखो, कोई भी आया मोहल्ले में से? बेवजह तुम इस सब चक्कर में पड़ रहे हो। करना ही था तो घर के अंदर कर लेते। नहीं अवध भैया, कोई आए या ना आए, हमने किया ना। और एक भारतीय होने के नाते ये हमारा धर्म था, और वैसे भी हमारी संस्कृति तो यही सिखाती है ना। सिर्फ तुम ही मानते रहो अपनी संस्कृति को, और कोई इस मोहल्ले में मानने से रहा। अटल, बाबूजी ने अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवाया पढ़ने के लिए, और तुम यहाँ पे खड़े होकर ये सब कर रहे हो, और वो भी अकेले। लेकिन भाई अकेले नहीं, पीछे मुड़कर देखिए। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमार्थ बन के प्रकाश कर। पंडित जी, हम सब पूरे मोहल्ले के लोग भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अंदर आ सकते हैं? आ जाइए पंडित जी, आइए। दीवाने हो तुम तीनों। दीवाने तो हम तीनों के जाने के बाद पैदा होंगे। अब तो मुझे भी ऐसे ही लगने लगा। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की। ये सब क्या है? पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। आप संतोष देखिए ना अटल के चेहरे का, ये इसे उम्र भर याद रहेगा और यही संतोष इसे प्रेरणा देगा हमेशा। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अटल को, इसलिए आज उसने इतनी अच्छी शुरुआत की है। हम लोगों की आज़ादी के लिए जो लोग जेल में कैद रहे, फांसी के फंदे पर झूल गए, अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, हम लोग कम से कम उनके लिए श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही सकते हैं। अब हम सब लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए। अटल बेटा, तुम्हारे विचार बहुत उत्तम है। सुनिए, जरा ठहर जाइए, इतनी भी क्या जल्दी।